सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए, और ऐसा नशा चढ़ना चाहिए जैसा मीराबाई के ऊपर नशा चढ़ा था, शिवरी के ऊपर नशा चढ़ा था, ध्रुव प्रहलाद के ऊपर नशा चढ़ा था, ऐसा सत्संग भक्ति का नशा चढ़ना चाहिए तो आपकी जिंदगी धन्य भी बनेगी और स्वयं तुम देवी देवता कहलाओगे और भगवान कहलाओगे। सत्संगत कभी कभी, ऐसे कितने लोग हैं जिनको पहली बार गुरु जी का दर्शन हुआ है, आमने सामने साक्षात, हाथ उठाकर बताइए। देखिए वाह, नीचे कर लो। 60% लोग हैं जिनको दर्शन ही नहीं हुआ कभी, ये तो कृपा है मिर्जापुर वालों की जो दर्शन हो गया साक्षात। मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, रंगत कभी कभी। कभी कभी गुरु का दर्शन होता है, कभी कभी साक्षात प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिलता है, इसलिए 3 दिन काम बंद कर देना चाहिए। मैं परिक्रमा से कल लौट रहा था तो ट्राली पर महिलाएं खेतों में काम करने जा रही थी, जिससे जिससे हमारे साथ के भक्त लोग पहुंचते थे, कहते थे कल काम करने मत जाना, आजो सत्संग में, यहाँ की भाषा बोलते थे। तो सब महिलाएं कहती थी हाँ कल मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सत्संग में आऊंगी, 3 दिन कहीं नहीं जाना, खेत तो मिल जाएगा 3 दिन के बाद और काम भी मिल जाएगा 3 दिन के बाद, लेकिन ये गुरु 3 दिन के बाद नहीं मिलेगा, ये बकानी झालावाड़ चला जाएगा, इसलिए काम बंद कर देगा। आदमी केवल धन से सुखी नहीं हो सकता है, धन से केवल सामान मिलता है सम्मान नहीं, धन से केवल सुविधा मिलती है सुख नहीं, इसलिए याद रखना धनवान भी सुखी नहीं। मनुष्य को सुख मिलता है तो ज्ञान से मिलता है, कौन ज्ञान? आत्मज्ञान, जिंदगी जीने का ज्ञान। नास्त ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से बड़ा सुख देने वाला कोई नहीं है, ज्ञान सुख देता है। कैसे सुख देता है ज्ञान, ध्यान रखना। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी बहुत दुखी बैठा था, महात्मा ने पूछा दुखी क्यों हो, तो उसने कहा दुखी इसलिए हूं गरीब आदमी हूं, दीपावली का महोत्सव है, पैसे नहीं हैं, इसलिए कि सब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं आनंद ले रहे हैं और हम कैसे पटाखे फोड़े, पैसा नहीं। तो महात्मा ने कहा मैं आपको ज्ञान देता हूं, जिसका पटाखा फूटता है तुम समझ लो मेरा ही फूटा है, किसी का नाम थोड़े लिखा। तो थोड़ा वो मुस्कराया व्यक्ति जो दुखी बैठा था, फिर उसने तर्क किया कि अगर मेरा पटाखा होता तो मैं खुद फोड़ता, कैसे मान लूं मेरा है। तो महात्मा ने कहा फिर ऐसा सोच लो, विचार करो कि बड़े आदमी जो होते हैं उनके नौकर चाकर पटाखे फोड़ते हैं, वे लोग बैठकर कुर्सी डालकर पटाखे का आनंद लेते हैं, तो ये फोड़ने वाले सब तेरे नौकर चाकर हैं और तू कुर्सी पर बैठकर आनंद ले, ये सोच ले। तो हंसने लगा, महात्मा ने कहा बस हर कंडीशन पोजीशन सिचुएशन में हंसने का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए, हर दुख के बीच में से सुख ढूंढ लेना चाहिए, उसी का नाम इंसान है, जो कीचड़ में कमल खिला देता है, जो दुख में भी सुख का फूल खिला देता है। कभी आपकी पत्नी रूठ कर मायके चली जाए, दुखी मत होना,
रहने दो, एक महीना वहीं तो पैदा हुई थी, वहां 20 साल रही थी तो क्या फर्क पड़ा है। 20 साल वहां रह करके तब तुम्हारे पास आई थी, तो 2-4 महीने रह करके फिर इधर आएगी। ज्यादा परेशान मत हो, फोन कर दो हर हफ्ते में, ठीक हो श्रीमती जी? बोलेगी ठीक है। कब आओगी? तो बोलेगी कि आ जाएंगे महीने भर में, जल्दी क्या। हाँ हाँ, कोई जल्दी नहीं, रहो आराम से, ऐसे बोल दो। फिर फोन करो, बोले सब ठीक ठाक है, बोले ठीक ठाक है। तुम बोल दो मैं ही आने वाला हूँ आपके पास, और जाओ बिल्कुल मत। फिर हफ्ते बाद फोन उसका आएगा कि आए नहीं अभी तक, बोल दो अरे क्या करें, आने वाले थे, यहाँ बिजी बहुत है, आप तो जानती हो मैं बिजी रहता हूँ, आई एम बिजी लाइफ। अंग्रेजी बोलो। अब उसके मन में छटपटाहट उठेगी, कब आएगा माधवलाल, कब ले जाएगा। हाँ, थोड़ा डील करना भी सीखो। और तुम तो ऐसे हो माधवलाल के बजाय उद्धवलाल, कि वो सवेरे जाती हो शाम को तुम वहीं पहुंच जाते हो। रह लेने दो थोड़ा, ज्यादा घबराया मत करो। कभी तुम्हारा पति रूठ जाए, बस महिलाओं को सुना देता हूं बड़ी कला है, उसी दिन तुम बीमार हो जाना बस। बस ऐसा बीमार हो जाओ, अरे जहर वहर मत पी लेना, ऐसे थोड़ा बीमार होना है। बस तुम्हारा पति तुम्हारे दवाई में लग जाएगा, डॉक्टर के यहाँ लेके जाएगा, वहां चली जाओ दवाई ले आओ सब कर दो, दवाई रखे रहना, खाना मत क्योंकि बीमारी कोई नहीं। बस उसका रूठना सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका भी मन डाइवर्ट हो गया, तुम्हारी सेवा में लग गया। रूठा भी मत करो, रूठने से रिश्तों में कमजोरी आती है, गुस्सा करने से रिश्ते नाजुक हो जाते हैं, क्रोध करने से संबंध कमजोर हो जाते हैं। इसलिए रूठने की आदत छोड़ो, रिश्तों के बीच में झूठ बोलने की भी आदत छोड़ो, नाराज होने की भी आदत छोड़ो, हिल मिल कर रहने का अभ्यास बनाओ, अपने पति का मनोबल भी बढ़ाओ। तो मैं एक बात आपको सुना रहा था कि सीता जी के 3 सासू थी, जब सीता जी वनवास से वापस लौटकर अयोध्या गई तो वहां सीता जी कैसे रहती है, मैं मानस चौपाई सुनाता हूं तुम्हें। कृपा सिंधु जेहि विधि सुख मानई, सोई कर श्रीय सेवा विधि जानई। कृपा सिंधु अर्थात भगवान श्री राम जिस प्रकार से सुख मानते थे, महारानी सीता जी उसी प्रकार से सेवा करती थी। यदि दाल में कम नमक खाने की इच्छा है तो कम डालती थी, सेवक और सेवकिनी बहुत थे, फिर भी सीता जी स्वयं रसोई में जाकर के राम के लिए भोजन तैयार कराता थी। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी, बहुत सेवक सेवकिनी थी जगह जगह पर, कलाकार सेवक थे, फिर भी सीता जी स्वयं जाकर के राम की व्यवस्था को देखती थी। नौकरानियों के हाथ में कभी अपने पति की सेवा को मत सौंपना, अन्यथा तुम्हारा पति नौकरानी के चंगुल में जा सकता है। याद रखना, बुद्धिमान बनो, बात को रोना धोना नहीं पड़ेगा। किसी भी नौकर के हाथ में अपने घर की अंदर की सेवाएं मत सौंपना,
अन्यथा घर में एक नई समस्या का जन्म हो सकता है। ध्यान देना इस बात पर। अपने पति को रोज रोज होटल में खाने के लिए मत भेजना, अन्यथा होटल में जाएगा, फिर बोतल में जाएगा, फिर एक दिन टोटल में चला जाएगा, तुम्हारे नाम का पति रह जाएगा। घर में भोजन बनाइए, ठीक से स्वादिष्ट खिलाइए। कभी कभी इमरजेंसी में आप कर सकते नाश्ता पानी, लेकिन ये डेली की आदत छोड़िए और जीवा पे कंट्रोल करिए, लोलुपता छोड़िए, धीरे धीरे भोजन कीजिए, चबा चबा कर खाइए, प्रसन्न होकर खाइए। खाते समय खिलाने वालों को, बनाने वालों को धन्यवाद भी दीजिए। गुस्सा होकर भोजन नहीं करना चाहिए, क्रोध में किया हुआ भोजन ठीक से पचता नहीं है और ठीक से रक्त बनता नहीं। प्रसन्न मन से किया हुआ भोजन अमृत के समान होता है। और भोजन बनाने वालों को जब तुम धन्यवाद देते हो तो भोजन ठीक से पचता भी है। इसलिए भोजन बनाने वालों को भूलना मत। परस्पर प्रेम से रहना सीखो, एक दूसरे की पीड़ा को दूर करना सीखो। कभी कभी ध्यान में बैठ करके विचार किया करो कि मेरी वजह से इस घर में कोई समस्या तो नहीं बढ़ती जा रही है, मेरी वजह से मेरे पति जी चिंतित तो नहीं हो रहे, मेरी वजह से मेरी पत्नी दुखी तो नहीं है। ऐसा खान पान मत करो जिससे तुम्हारे घर में अशांति पैदा होती है। ऐसी आदतें छोड़ दीजिए जिससे घर में कलह कलेश पैदा होता है। ऐसा चाल चलन व्यवहार बदल दीजिए जिससे आपके घर में दुख का वातावरण बनता है। उन सारे अवगुणों को छोड़ दीजिए जिनके कारण जिंदगी में अपमान के घोंट पीना पड़ता है। सद्गुण और सदाचार के पथ पर चल दीजिए जिसके कारण कदम कदम पर सम्मान तुमको प्राप्त होता है।